हेलो प्रणाम नमस्कार, तत्व गर्ल की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली या दीपावली का त्यौहार भारत भर में ही नहीं दुनिया भर में लोगों द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भले इसकी तारीख हर साल बदल जाती है, वो इसलिए क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत होती है सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी और दियों से। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की नवस्थापित मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी समृद्धि की देवी और गणेश जी नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। वजह कोई भी हो, दिवाली के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर में ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी कर ले। चार बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी भी कमी ना हुई। ऐसी ही कई अनेक पौराणिक कथाएं दिवाली को लेकर प्रचलित हैं। जैसे एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक और अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दियों से सजाया था, तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक और अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था, तभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, वजह, कारण या मान्यता कोई भी हो,
दिवाली का त्यौहार तो पूरे देश में, दुनिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न घटनाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता हो, पर है तो यह हंसी, खुशी, उम्मीद और दीवों का त्यौहार। तो आप सभी को दिवाली के ये 5 दिन यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार, और माँ लक्ष्मी विराजे आपके द्वार और गणेश जी की हो आप पर कृपा बारंबार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल मैं विदा लूंगी। एक बार फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तत्वगर इसी तरह आपके साथ जुड़ती रहेगी और आपको किस्से कहानियां सुनाती रहेगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, नमस्कार।